हेलो माय लवली व्यूअर्स, हमारे चैनल पे आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आज हम आपको सिखाने वाले हैं बहुत कम समय में बनने वाला एक ढोकले की रेसिपी, जिसको आपको रात भर भिगोने की भी जरूरत नहीं है, घंटों भर भिगोने की कोई टेंशन नहीं है, जिसको आप कुछ ही मिनटों में घर पे बहुत आसानी से ही बना सकते हो। तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए एक लाइक जरूर कर देना, और हमारी वीडियोस को बहुत 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 शेयर करना, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, 1K जल्दी जल्दी कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और बहुत जरूरी बात, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और हमारे इस चैनल के साथ साथ दो और चैनल हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी दे दूंगी। तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं। और ढोकला बनाने के लिए जो जो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अप्लाई करना होगा वो हम सब बता देंगे आपको। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ले चुके हैं 200 ग्राम बेसन। मार्केट में जो रिफाइंड बेसन मिलता है आपको वही लेना है। और बेसन देने के बाद हम एक एक करके इसके अंदर दे देंगे एक छोटे चम्मच नमक, इसके अंदर दे देंगे एक छोटे चम्मच शक्कर, एक चुटकी हल्दी को थोड़ा सा पानी पे घोलकर हम इसके अंदर दे देंगे, और अभी हम अलग से एक चुटकी हल्दी दे देंगे। हल्दी को पानी में घोल के हम इसलिए दे रहे हैं ताकि ये जब स्टीम हो जाए तो ये काला बहुत टाइम पे पड़ जाता है, ये डार्क कलर हो जाता है, इसलिए हम ये हल्दी को थोड़ा सा पानी के अंदर भिगो के दे दिया है। तो चलिए अभी हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी को आपको एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे करके पानी को मिलाना है। तो चलिए पानी के साथ इसको मिलाते रहिए अच्छे से, और एक बात की ध्यान बिल्कुल रखना है कि इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं आना चाहिए। तो आप देख सकते हो कितना स्मूथ, एक परफेक्ट ये बैटर रेडी हो चुका है। आपको इतनी ही कंसिस्टेंसी में इसको रखना है, आप देख सकते हो इसी कंसिस्टेंसी में आपको इसको रखना है। तो लीजिए ढोकले की बैटर तो रेडी हो चुका है, अभी हम इसको स्टीम करेंगे। तो स्टीम करने के लिए हम सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर दे रहे थोड़ा सा पानी, और एक स्टैंड दे चुके हैं, यहाँ पे मैं 3 कप पानी दे दूंगी। और चलिए अभी इसको हम ढक के थोड़ा सा 10 मिनट के लिए गर्म होने के लिए इसको छोड़ देंगे। तब तक हम वो जो बैटर छोड़े थे आपको दिखा दो फिर से, कंसिस्टेंसी फिर से चेक कर लीजिए। इसी कंसिस्टेंसी के अंदर हम अभी दे देंगे हमारी जो इनो है उसको हम तेल के अंदर घोल के दे देंगे। तेल के अंदर देने का एक ही मकसद है कि वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं फ्लफी होने में। तो चलिए इसको जल्दी से मिला लेते हैं, और जब आपको देख रहे हैं, जब आप महसूस कर रहे हो ये ऊपर आ रहा है, तो तभी एक मोल्ड के अंदर आपको शिफ्ट कर देना है। एक बहुत ज़रूरी बात, जब आपके बैटर रेडी हो जाए, जब आप सोडा देने वाले हो, यानी कि कोई भी इनो देने वाले हो, कोई भी सोडा देने वाले हो, तब सोडा देने के बाद ज़्यादा टाइम तक हमें नहीं घोलना है। सोडा देने के तुरंत बाद हमें मोल्ड के अंदर शिफ्ट कर देना है। अभी मैंने मोल्ड के अंदर डालने के बाद थोड़ा सा हम साइड पे दे रहे हैं, इसको स्प्रेड आउट कर दिया है, और अभी हम गर्म पानी के अंदर इसको शिफ्ट कर दिया है। अभी हम इसको 1 घंटे के लिए धीमे से मीडियम फ्लेम तक इसको ढक के पकाएंगे। तो चलिए अभी हम हमारे सिरप को रेडी कर लेंगे। इसके लिए हमने पैन के अंदर दे दिया है रिफाइंड ऑयल, अभी हम इसके अंदर दे दिया है थोड़ा सा मास्टर सीड, और अभी हमने थोड़ा सा दे दिया है ग्रीन चिली और करी पत्ता। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे पहले, और फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर दे देंगे थोड़ा सा पानी। तो चलिए अभी हम इसके अंदर दे दिया है 1 कप पानी, 1 कप पानी, और अभी हम दे देंगे इसके अंदर चॉप धनिया। ये जो सिरप है अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा और पानी दे दिया है, हमारी जो अमाउंट है वो थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए हमें पानी भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो चलिए अभी इसके अंदर एक उबाल आ चुका है, अभी हम इसके अंदर दिए थे 1 चम्मच नमक और 1 कटोरी चीनी। तो चलिए इसको अच्छे से हम फिर से मिला लेंगे, और कुछ देर ये मिल जाए इसके बाद हम इसको उतार लेंगे गैस से। तो चलिए हम इसको कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो चलिए हमारी जो शीरा है बिल्कुल रेडी हो चुका है, अभी हम इसको दे देंगे ढोकले के ऊपर। तो चलिए देख लेते हैं ढोकला रेडी हुआ कि नहीं। तो देख सकते हो 1 घंटा बाद हम इसको चेक कर लेंगे पहले। तो आप देख सकते हो हमने ये जो नाइफ को ढोकले के अंदर दिया है, और कोई भी एक चीज़ भी अंदर से नहीं लगा है नाइफ के अंदर, इसका मतलब हमारे जो ढोकला है वो बिल्कुल परफेक्ट बना है। अभी हम इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद डीमोल्ड कर लेंगे। तो चलिए इसको डीमोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा टैप टैप करके हम डीमोल्ड कर लेते हैं, और आपको दिखा दूंगी कितना स्पंजी बना है। तो आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट, एकदम परफेक्ट बना है आज का ढोकला। तो चलिए हम हमारे जो सिरप रेडी करके रखे थे उसको हम ऊपर से इसको दे देंगे।
आप अगर सिरप थोड़ा सा ज़्यादा भी डालोगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए इसको हम काट के दिखाते हैं आपको कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है। ये खाते ही मुंह के अंदर एक अलग ही अरोमा, एक अलग ही टेस्ट आपके अंदर मुंह के अंदर क्रिएट हो जाएगा। इतना सॉफ्ट, इतना अच्छा, इतना टेस्टी बना है। अगर आप इस मेथड को फॉलो करके घर पे बनाओगे तो आपको बहुत ही अच्छा एक रिज़ल्ट मिलेगा और एकदम परफेक्ट आपको ढोकला मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और आपको दिखा दो कितना स्पंजी बना है, आप देख सकते हो करीब से, एकदम परफेक्ट, एकदम मार्केट जैसा ही बना है आज के ढोकले की रेसिपी। और एक और बहुत ज़रूरी बात, आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय।